चुनाव की बात करेंगे, विधानसभा चुनाव 2020 की बात करेंगे और चुनावी रंग बिरंगी हुई नजर आ रही दिल्ली की बात करेंगे। अंतिम चरण में यहाँ पर दिल्ली का सियासी दंगल पहुंच चुका है। यहाँ पर तमाम सियासी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या दो दशक का वनवास बीजेपी खत्म कर पाएगी, क्योंकि बीजेपी ने जीत के लिए तमाम सियासी योद्धा उतार दिए हैं। वहीं अगर आम आदमी की पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी रोड शो और रैली के जरिए लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही है और पूरी तरीके से सत्ता वापसी के लिए ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो पिछली बार शून्य पर थी, यानी कि खाता भी नहीं खोल पाई थी, उसने भी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज दिल्ली के दंगल में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर कल उतरे थे। राहुल गांधी ने यहाँ पर साफ तौर पर निशाना साधा था। तो मैदान में तमाम सियासी दिग्गज उतर चुके हैं और बस कुछ दिन का इंतजार और स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार दिल्ली में किसकी सरकार। और बीजेपी प्रवक्ता राहुल त्रिवेदी जी हमसे जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी आपका। इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरी चरण में चुनाव है, कल द्वारका में नरेंद्र मोदी ने भी रैली की है, कैसे देख रहे चुनाव को? देखिए, चुनाव को हमें नहीं, दिल्ली की जनता को देखना है। दिल्ली की जनता को झूठ और सच में फैसला करना है। जैसा कि देखा कल, जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने जो उजागर किया कि ये जो कपिल गुज्जर जिसने गोली चलाई थी शाहीन बाग में, वो आप पार्टी का कार्यकर्ता निकला, तो किस तरह का छंद कर रहे हैं, किस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लोग। पहले ये शाहीन बाग में इनके विधायक और ये लोग मिलकर वहां पर धरना पर महिलाओं को, बच्चों को बिठाते हैं और फिर उन्हीं महिलाओं और बच्चों के ऊपर ये गोलियां चलवाते हैं अपने कार्यकर्ता से। तो अब ये साफ हो गया है कि सत्ता में रहने के लिए, सत्ता सुख के लिए आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल किसी हद तक जा सकते हैं, ये दिल्ली की जनता देख रही है। दूसरी तरफ चूंकि इन्होंने विकास किया नहीं, कोई कार्य किया नहीं, पिछले जो 2015 में जो इन्होंने वायदे किए थे उसमें से एक भी वायदे पूरे नहीं किए, तभी पता चल गया था जब 2015 के कोई भी वायदे इन्होंने पूरा नहीं किया। और जब इनसे सवाल किया जाने लगा, तभी इन्होंने एक महीना पहले ये शाहीन बाग शुरू किया, वहां पर लोगों को बिठाया गुमराह करके उन्हें। अच्छा, कांग्रेस को कहां पर देख रहे हैं राहुल जी करके? देखिए, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो तो सबको पता है, दिल्ली की जनता भी देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी भी। अच्छी बात है, राजनीति है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको, जो भी पार्टियां राजनीतिक पार्टियां उनको अधिकार है, वो अपना जनता के सामने जाती है, अपनी बातों को रखती है, तो कांग्रेस पार्टी का भी स्वागत है, वो भी जनता को। लेकिन जनता के सामने जो विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खो दिया है और मुझे नहीं लगता कि जनता एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी तरह का कोई विश्वास करेगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के जो लगे हुए हैं, जो एक उनके ऊपर जिस तरह से वो पार्टी रहते हैं, सत्ता में रहते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं, जिस तरह से वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिस तरह से वो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, घोटाले उनकी उनके साथ साथ चलता है, जहां भी वो सत्ता में रहते हैं वहां घोटाला उनके साथ साथ चलता है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे जनता उनसे काफी दूर हो। चले, जवाब लेने के लिए कांग्रेस हमारे साथ जितेंद्र कोचर जी भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। बीजेपी यहाँ पर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है और अगर बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो कहाँ पर देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जब दूसरे की तरफ एक उंगली उठाती है तो चार उंगलियां खुद स्वयं की तरफ उठती है, भूल गए हैं और दोस्त भूल गए हैं बात, ये तो खुद भूल गए कि इनके पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी, जो इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, बहुत बड़े नेता थे, 1,00,000 रुपए स्टिंग ऑपरेशन में टीवी पे खुद आपके चैनल ने दिखाया पकड़े गए, आज ये दूसरों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। जितेंद्र जी, आपकी आवाज हम तक बहुत धीमे आ रही है। मैं कह रहा हूँ, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण जी, ये भूल गए, शायद इनको याद भी नहीं होगा, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं बंगारू लक्ष्मण जी, 1,00,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, हर चैनल ने दिखाया, भ्रष्टाचार की कहां तक इनकी बात करें। दूसरी बात, आज दिल्ली में दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे दिल्ली देश की राजधानी है और हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो आप पार्टी के लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और ये प्रमाण कल सब लोगों को, दिल्ली के लोगों को मिल गया है,
जो वो पकड़े गए हैं, जिन्होंने गोली चलाई है, जो वो पकड़े गए हैं वो इनके सदस्य थे। आतिशी जी के साथ फोटो है, इनके जो राज्यसभा मेंबर है उनके साथ फोटो है। ये तो पूरी की पूरी मिली भगत से नूरा कुश्ती होती है भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी आम पार्टी में। ये नूरा कुश्ती का परिणाम है। ये जो दिल्ली में आप जात पात की आप राजनीति देख रहे हैं, दिल्ली में ऐसी राजनीति नहीं हुई थी, लेकिन दिल्ली में भी जात पात के नाम के बांटा जा रहा है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, आप बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पिछली बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो खाता भी नहीं खोल पाए थे आप। देखिए ऐसा है, अच्छा और बुरा समय आता रहता है। बीजेपी की एक समय 2 सीट थी, उसके बाद सत्ता में पहुंची है, हमारा खाता नहीं खुला था, मैं इसको निश्चित। लेकिन आज दिल्ली की जनता पे हमें पूरा विश्वास है। चलिए राहुल जी, यहाँ पर अगर हम बीजेपी की, यहाँ पर कांग्रेस की अगर बात करें तो शीला युग की वापसी की बात कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि फ्लाईओवर शीला सरकार में बनवाए गए, मेट्रो शीला सरकार में लाई गई, तो क्या लगता है कि दिल्ली की जनता एक बार वापस से शीला युग की वापसी की ओर देख रही है? देखिए मैंने कहा जैसा कि मेट्रो की शुरुआत जो थी वो कहीं ना कहीं जब कैलाश वर्मा की सरकार थी उस समय मेट्रो का जो डील था दिल्ली के लिए वो किया गया था, उसके बाद सरकार के समय उसे जरूर यहाँ पर विस्तार किया गया। लेकिन जो घोटाला और भ्रष्टाचार जो साफ साफ चलता है कांग्रेस पार्टी के साथ जो उनसे चिपका हुआ है, उससे जनता बहुत परेशान है। जनता ने उस समय इनके कार्यकाल जो महंगाई रही है दिल्ली में, महंगाई को भी देखा है, कई सारे वायदे गए प्राइस कॉलोनी को लेकर, मकान को लेकर से 15 साल तक इन्होंने वायदे किए दिल्ली की जनता से, वो भी जनता इनको देखी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस पार्टी जहां रहेगी वहां भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस पार्टी जहां रहेगी वहां घोटाले होंगे, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे जनता इनसे बहुत दूर हो चुकी है। और मुझे लगता है कि जनता का फिर से विश्वास होगा। जनता एक अमन पार्टी है जो सबसे दूसरी पार्टी है। राहुल जी, आपकी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही है, हम आपसे वापस से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जितेंद्र कोचर जी हमारे साथ में बने हुए हैं। जितेंद्र जी, अगर हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, देखिए आप अगर उनके ट्वीट उठा के पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं तो लगातार पढ़ती रहती हूँ, ऐसे में बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी पॉजिटिव पॉलिटिक्स का फायदा उनको मिलेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पर उनको एंटी हिंदू तक बता दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ऑन कैमरा यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी, तो कह सकते शाहीनबाग पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो कह सकते कि कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की जा रही है पर आम आदमी पार्टी की तरफ से। किस तरह की घिनौनी और घटिया राजनीति पे स्तर पे उतर आए हैं, हमारे लिए भी शर्म की बात है। मुझे कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लोगों को सुनते हुए भी अच्छा नहीं लगा कि जिस तरह की जात पात की राजनीति ये आम पार्टी वाले भी करने लग गए हैं, इसके लिए शर्म आती है हमें। और मैं, ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, आपकी नहीं है, ये क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट है जिन्होंने उनको पकड़ा है, और वो इनके आम पार्टी के कार्यकर्ता है। आप देख सकते हैं आम पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि किस तरह इनको उकसाया जाता है, किस तरह प्लानिंग की जाती है, और जात पात का जहर हमारे बीच, हमारे जो लोग हैं, हमारे युवा पीढ़ी के बीच घोला जा रहा है, उसमें आम पार्टी भी पीछे नहीं है। आम पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। शाहीन बाग को एक मुद्दा बनाया गया है, इशू क्या, अगर शाहीन बाग में लोग बैठे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भारतीय जनता पार्टी की फेलियर नहीं है। आपने रोड खाली नहीं, किसने रोका है आपको? आप अगर सरकार चाहे तो एक मिनट में करवा सकती, लेकिन जानबूझ के शाहीन बाग के इशू बना रखा गया, रोड बंद करा दिया गया, प्रदर्शन करा दिया गया, इनके पीछे खुद इनका हाथ है। जितेंद्र जी, यहाँ पर एक चीज और है, अगर दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के, जितेंद्र जी, दिल्ली के विकास के मुद्दों की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली में थोड़ा अंदर चले जाइए, गलियों में चले जाइए, तार ऐसे लटक रहे कि अगर आप हाथ ऊपर उठा दे तो आपका हाथ तार से छू जाएगा, सड़कें टूटी पड़ी हुई है, नालियां बजबजा रही है। क्या लगता है बड़ी चुनौती रहेगी अगर आप सत्ता में आते हैं? देखिए अगर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, जात पात से ऊपर हटकर अगर स्थानीय मुद्दों पर दिल्ली में चुनाव लड़ा जाएगा तो आम पार्टी कहीं भी नहीं टिकेगी। इन्होंने कोरी विज्ञापन की सरकार है, पब्लिसिटी की सरकार है, लेकिन धरातल पे, जमीन पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। सिर्फ हाँ कैमरे लगाए हैं, टोक प्रचार में लगाए हैं। आप देख सकते हैं कहीं भी जाके, अभी जो कैजुअलिटी हुई है, आग लगी है, वो जो लोगों की मौतें हुई हैं, 100 से ऊपर लोग मरे, किस लिए मरे हैं? शॉर्ट सर्किट से मरे, जो तारे निकली हुई है रोडों के ऊपर, गलियों में निकल, उससे ये दुर्घटना हुई है। ये जो केस था वो तो दिल्ली सरकार के ऊपर होना चाहिए थे, जितनी लोगों का मौत का जिम्मेवार कौन है? दिल्ली सरकार है। और ये हालत खाली इन एक या दो एरिए की नहीं है, पूरी दिल्ली की ये हालत है। रोड टूटी पड़ी है, गलियां अंदर टूटी पड़ी है। जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में कार्य की थी, साइन बोर्ड भी लगाए थे, उसके पेंट तक ये नहीं करा पाए, सिर्फ और लोगों को एक गुमराह मिसगाइड कर दिया कि बिजली के बिल हमने माफ कर दिए।
31 मार्च के बाद वो ड्यूज भी लग के आएंगे, बिजली के रेट भी बढ़ेंगे। मैंने परसों भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि केजरीवाल जी को एफिडेविट देना चाहिए उनको कि चुनाव के बाद बिजली के दाम मैं नहीं बढ़ाऊंगा, बिजली के जो बिल अभी राहत चल रही है वो उसके बाद भी चलेगी। इनको एफिडेविट देना चाहिए केजरीवाल को, ताकि दिल्ली की जनता कभी तो यकीन कर ले। इन पर यकीन दिल्ली की जनता नहीं करती है, लेकिन मिसगाइड करने में, गुमराह करने में, धोखा देने में, झूठ बोलने में ये भारतीय जनता पार्टी से कहीं पीछे नहीं है। तो चलिए, चुनावी मौसम है जितेंद्र जी, और बस कुछ दिन का इंतजार और है और स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिर दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। कांग्रेस की वापसी होगी, आपकी वापसी होगी, या फिर बीजेपी का सत्ता का सूखा खत्म होगा। राहुल त्रिवेदी जी बीजेपी से और जितेंद्र कोचर जी कांग्रेस हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।